मशहूर एक्ट्रेस और टॉक शो होस्ट तबस्सुम के फैंस के लिए दुखद खबर है। तबस्सुम ने 78 इयर्स की उम्र में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। खबरों की माने तो तबस्सुम को कार्डियक अरेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें आनंद फानंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में एक्ट्रेस ने दम तोड़ दिया। तबस्सुम की मौत की खबर से बॉलीवुड हिल गया है और हर कोई नामचीन दिवंगत एक्ट्रेस को अपनी नम आंखों से सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहा है। तबस्सुम के निधन की खबर से न केवल बॉलीवुड हिल गया है, बल्कि उनके फैंस भी लगातार एक्ट्रेस के पुराने शोज और सिनेमा जगत में दिए गए योगदान को याद करके भावुक हो रहे हैं। अंत में आपको बता दें कि तबस्सुम ने बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस एंट्री ली थी। तबस्सुम की पहली फिल्म साल 1947 में आई थी, जिसका नाम मेरा सुहाग था। इसके बाद मजधारा, बड़ी बहन, दीदार और बीजू बावरा है। इसके अलावा उन्होंने एक टॉक शो के होस्ट के तौर पे भी अपनी पहचान बनाई थी। दूरदर्शन पे देश में टीवी के पहले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन को होस्ट करने का श्रेय तबस्सुम को जाता है। यह शो उन्होंने 1972 से लेकर 1993 तक होस्ट किया था, जिसके जरिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हस्तियों के इंटरव्यू करने का मौका मिला था। वो एक यूट्यूबर भी थी, जिसके जरिए वो फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी कलाकारों के अनसुने और मजेदार किस्से भी सुनाया करती थी। इस दुखद खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मोर इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।